हाय फ्रेंड्स, आज मैं ट्रफल केक बनाने जा रही हूँ। न्यू ईयर स्पेशल केक बहुत ही फेवरेट है, तो जिसके लिए मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ। आप कोई भी बर्तन ले लें, उसे प्री हीट कर लें 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। फिर आप कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आपको बेक करना है, उसको पहले आप बटर या तेल से ग्रीस कर लें। इस तरह से मैं तेल से ग्रीस कर ली हूँ। उसके बाद ये आप बटर पेपर बिछा दें। बटर पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, आप मैदे का भी छिड़काव कर सकते हैं। बटर पेपर लगा करके फिर से तेल से ग्रीस करें। ये भी रेडी हो गया। अब केक की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैं ये देखिए हाइड्रेंट चिक का बिस्किट ली हूँ। आप कोई भी बिस्किट चॉकलेट फ्लेवर का ले सकते हैं। मैं 2 पैकेट ली हूँ, इसे मैं निकाल लेती हूँ। बिस्किट मैं निकाल ली हूँ, इसे रफली तोड़ देती हूँ। तोड़ करके इस जार में डाल देती हूँ, मिक्सी के जार में। अभी मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं पीसी हूँ, क्योंकि अभी मैं इसमें दही डाल रही हूँ। 1/2 कप दही है, यानी 3 चम्मच है ये दही। और इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। एसेंस के बाद 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। आप इसमें कोई भी रिफाइंड डालें, मगर जिसमें खुशबू होती है ना वो ना डालें। अभी मैं इसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल रही हूँ। सारा सामान इसमें रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। अभी इसे अगर कम लगेगा तो फिर मैं दूध इसमें और ऐड करूँगी। अब इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स कर लेती हूँ। इसमें 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा 1/4 टी स्पून, यानी कि थोड़ा सा 1 चम्मच ले लें। जैसे 1 टी स्पून ले लें, उसके 4 भाग करने के बाद जो 1 भाग होगा उसे डालना है। अभी मैं इसे फिर से मिक्सी में चला लेती हूँ। इस तरह से देखिए केक का बैटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए कितना स्मूथली गिर रहा है, तो ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं इसको अब जिसमें बेक करना है उसमें डालती हूँ। पर हमारा केक का बैटर ज़्यादा है, बर्तन छोटा है, मैं 1/2 डालूंगी इसमें। अब इसे थोड़ा टैप कर दें। अब मैं इसमें रख देती हूँ और ढक देती हूँ। 20 से 25 मिनट के बाद चेक करूँगी। अभी मैं इसे माइक्रोवेव में बेक कर लेती हूँ बचे हुए को। जब तक केक बन रहा है, जब तक मैं बिस्किट ट्रफल बना लेती हूँ। तो ये बिस्किट पाउडर ही है जिसमें ओरियो और ये हाइड्रेंट चिक दोनों मिक्स है। तो आपको जितना बनाना है उतना ले लीजिए। मैं 1 कटोरी ली हूँ और इसमें मैं दूध मिक्स कर लेती हूँ। इसका एक डो तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से मैं एक डो तैयार कर ली हूँ। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। जितने बड़े साइज के आपके बनाने हैं, छोटे बड़े, तो उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। इस तरह से बॉल बनाने के बाद मैं डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर ली हूँ माइक्रोवेव में। 40 सेकेंड लगा है मुझे आज करने में। आप डबल बॉयलर पे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब एक एक बॉल को मैं डाल करके चॉकलेट में डिप कर देती हूँ। इस तरह से देखिए मैं बनाते भी जा रही हूँ और ये सूखता भी जा रहा है। और इसे फ्रिज में भी 1 मिनट के लिए भी रख देंगे तो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसकी ट्रफल बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे साइड में कर देती हूँ। और ये जो चॉकलेट बचा है ना, ये अभी ड्राई होने लगा है, तो अभी मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर करके। इसमें मिक्स करके फिर से इसे हमें मेल्ट करना है। तो माइक्रोवेव में मैं 30 सेकेंड के लिए रख देती हूँ। और गैस पे कर रहे हो तो डबल बॉयलर में रख लें। मिनट में पूरा रेडी हुआ है, 20 से 25 मिनट में नहीं हुआ था। इसे मैं चेक भी कर लेती हूँ। ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, यानी कि केक तो बिल्कुल रेडी है। इसे फ्रेंड्स अभी मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे निकाल करके बाहर रख दूँगी। फ्रेंड तो मैं इसे इस पर ही डायरेक्ट निकाल लेती हूँ। ये देखिए सॉफ्ट हुआ है ये। इसे हम बीच से कट कर लेते हैं 2 भागों में। इसमें मैं 2 चम्मच दूध ली हूँ और थोड़ा सा मैं चॉकलेट जो मेल्ट की थी वो ले ली हूँ। अभी ठंडा हुआ है तो ये जम गया है फ्रेंड। मैं इसे पिघला लेती हूँ माइक्रोवेव में। और शुगर सिरप जो हम यूज करते हैं, तो मैं आज इसका यूज करूँगी, क्योंकि पूरा चॉकलेट केक बन रहा है। चॉकलेट मेल्ट हो गया,
अब इसके ऊपर से मैं डाल देती हूँ और इसे फैला लेते हैं अच्छे से। ये पूरा सोख लेगा ये केक। इसके ऊपर जो दूध और चॉकलेट मैं मेल्ट की थी वो मैं डाल दी। इससे मैं अब व्हिपिंग क्रीम से मैं इसे पूरा भर देती हूँ। और इसके ऊपर से ये केक का लेयर मैं रख देती हूँ। देखिए मैं लेयर लगाती हूँ अच्छे से। इस तरह से सिर्फ इसे मिक्स कर लेते हैं। मुझे पूरा आइसिंग नहीं करना है। मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा जो चॉकलेट सिरप है ना वो मैं हल्का हल्का डाल देती हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई भी शुगर सिरप यूज नहीं कर रही हूँ। ये देखिए चॉकलेट और फ्रेश क्रीम को मैं मेल्ट कर ली हूँ। इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में लाऊं क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म है। अब ये चॉकलेट का मैं ऊपर से इसके ऊपर से डाल देती हूँ और फैला देती हूँ उसे। केक भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दी थी तो बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं आइसिंग कर रही हूँ। एक सेकेंड, इस तरह से मैं ट्रफल को रख लेती हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं चारों तरफ से इसको डेकोरेट कर देती हूँ। ये हमारा ट्रफल केक बिल्कुल रेडी हो गया न्यू ईयर पार्टी के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। थैंक यू।